भारतीय इतिहास की सबसे दर्दनाक त्रासदी भोपाल गैस हादसे को आज 32 वर्ष पूरे हो गए हैं। 1984 में 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात हुए इस हादसे से 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए और करीब 15,000 से ज्यादा जाने गई थी। आइए देखते हैं रिपोर्ट। भोपाल गैस त्रासदी, नाम लेते ही जहन में उस काली रात की याद उभर आती है जिसकी सुबह कभी नहीं हुई। 1984 में 2 दिसंबर का दिन एक आम दिन की तरह ही शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे यानी दिन का पहर 3 दिसंबर ने दस्तक दी, साथ ही शहर में मौत ने भी दस्तक दे दी। किसी ने शायद ही सोचा होगा कि 2 दिसंबर का आम दिन रात की मौत बनकर ख़त्म हो जाएगा। पूरा शहर खांस रहा था, शहर दर्द के मारे चीखना चाहता था, पर खांसी गला दबाए बैठी थी, हलक से आवाज नहीं आ रही थी, मुंह से झाग निकल रहा था। जिसमें जितनी हिम्मत थी वो अस्पताल की ओर भागा। जो अस्पताल से पहले गिरे उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, और जो अस्पताल तक पहुंच पाए उन्हें भी बचाया ना जा सका, क्योंकि तब तक डॉक्टर्स को पता ही नहीं था कि उन्हें हुआ क्या है और उन्हें क्या दवा दी जाए। सबसे ज्यादा भीड़ थी हमीदिया और जयप्रकाश अस्पताल में, जहां इंसानी रूप में मौत इधर उधर भाग रही थी। देखते ही देखते पूरे शहर का दम घुटने लगा। आंखों में जलन, उल्टी और खांसी ने कई जिंदगियों को अपनी चपेट में ले लिया। कई जिंदगियां तो रात के अंधेरे में हमेशा हमेशा के लिए सो गईं। सुबह तक अस्पताल भी लाशों से पट गया। मंजर ऐसा कि अस्पतालों में लाशें रखने की ही जगह ना बची, लिहाजा खुले आसमान के नीचे कई जिंदगियों ने दम तोड़ दिया। सुबह होते होते पूरे शहर में मौतों का मातम मन रहा था। हर जगह चीखों पुकार थी और सुबह की रोशनी धुंध भरी थी। हवा में जहर घुली हुई थी, लेकिन वजह क्या है इसका पता लगने तक 5 लाख जिंदगियां जहरीली हवा का शिकार हो चुकी थी और हजारों मौतें हो चुकी थी। 3 दिसंबर की सुबह भोपाल के लिए रोशनी की जगह अंधेरा लेकर आई, खुशी की जगह कभी ना भरने वाला जख्म लेकर आई। वजह का पता चलने तक कईयों ने अपनों को खो दिया था। शहर में जगह जगह लाशें बिखरी हुई थी। इस घटना में झुग्गी बस्ती वाले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि वो लोग मौत के उस कारखाने के किनारे रहते थे जिसने दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी को जन्म दिया था। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी मिक नामक एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे कीटनाशक बनाया जाता है। इस गैस के रिसाव से ही हवा में मौत तैर रही थी। गैसों के रिसाव को लापरवाही का नाम दिया गया, क्योंकि 2 दिसंबर की रात यूनियन कार्बाइड के उत्पादन नियंत्रण कक्ष में बैठे स्थायी कर्मचारियों को कुछ रासायनिक रिसाव की शंका हुई। कर्मचारियों ने तत्काल ही भूमिगत रसायन भंडारण टैंक का निरीक्षण किया तो उन्हें वहां रसायन मिथाइल आइसोसाइनाइड का मामूली सा रिसाव मिला, जिसे उन्होंने दैनिक सुरक्षित रसायन रिसाव के छिटपुट रूम में लिया और उसके निदान पर ध्यान नहीं दिया। अंजाम ये हुआ कि हजारों लोग मौत के मुंह में समा गए और लाखों जिंदगियां कई वर्षों तक इसका दर्द झेलती रहीं, या कहें कि आज भी झेल रही हैं। दुर्घटना के कई वर्षों बाद भी भोपाल के इस इलाके में मानसिक और शारीरिक तौर पर विकलांग पैदा होने वाले बच्चों की संख्या में भारी वृद्धि देखने को मिली। यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 1989 में आदेश दिया कि वो गैस पीड़ितों को $47 करोड़ का मुआवजा दे। कंपनी ने आदेश को मानते हुए राशि जमा करा दी। पीड़ितों को मुआवजा तो दिया गया, लेकिन ये मुआवजा बेहद कम था। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को इंसाफ चाहिए था। उनके मुताबिक कारखाने के मुख्य अधिकारी वॉरेन एंडरसन को सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि 2014 में खबर आई कि वॉरेन एंडरसन की मौत हो चुकी है। लिहाजा आज भी इंसाफ की गुहार जारी है। भले ही त्रासदी के बाद भारत सरकार ने कारखाने पर रोक लगा दी हो, लेकिन आज भी इसके दुष्प्रभावों को देखा जा सकता है। कारखाने के आसपास का पानी और मिट्टी इसके प्रभाव से बाहर नहीं है। गैस प्रभावित इलाकों के निवासियों में गुर्दे, गले और फेफड़े के कैंसर अन्य इलाकों की तुलना में 10 गुना अधिक हैं।
यानी कि हादसा तो गुजर गया लेकिन उसके निशान अभी भी बाकी हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।